ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 31 का फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 31 ओपन करें प्लीज. फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे रॉड है और वो नीचे स्लाइड होती हुई आ रही है. हैंड रिटन शीट के अंदर भी करवाया था, तो नीचे आने की फोर्स क्या है उसकी, एम जी साइन थीटा. और क्योंकि करंट कैरिंग रॉड है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है, जिसका एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाता था, और क्योंकि इसको कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आना है तो ऊपर और नीचे की फोर्स को इक्वेट करके हम वैल्यू निकालते थे इसमें किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की. तो ये क्वेश्चन हैंड रिटन में ऑलरेडी डन है, तो ये होमवर्क नोट करें. क्वेश्चन नंबर टू से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर टू है जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर इस वायर के सामने एक और वायर है तो ये वायर की, ये वायर जो है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी. इसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन, ये मैंने काफ़ी बार आपको बताया. इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर ना टॉर्क की प्रॉब्लम है, अभी हमने की नहीं, इसको नहीं करना. क्वेश्चन नंबर फोर देखना है. क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर टू वेरी लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट ऑफ आई एंड टू आई इन ऑपोजिट डायरेक्शन, आई और टू आई ऑपोजिट डायरेक्शन में और डिस्टेंस उनके बीच में आ रहा है. एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू वायर्स इन अ प्लेन ऑफ द वायर. तो क्यू चार्ज बिल्कुल मिड पॉइंट में, इसका मतलब वायर से, एंड इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. अब ध्यान से, ये चार्ज पार्टिकल को हमने v वेलोसिटी थी, कैसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब इसको अंदर की तरफ फेंका, ये हुआ परपेंडिकुलर. हमने ऐसे नहीं फेंका, हमने इसको ऐसे फेंका. तो अभी देखने वाली बात यह कि करंट कैरिंग वायर b कैसे जनरेट करेगी बोर्ड के अंदर और ये करंट कैरिंग वायर भी कैसे जनरेट करेगी बोर्ड के अंदर. तो बेसिकली दोनों वायर का मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, वेलोसिटी वेक्टर भी चार्ज पार्टिकल की बोर्ड के अंदर है. तो बी और वी दोनों बोर्ड के अंदर है सेम डायरेक्शन में, तो बी और वी में एंगल क्या बना, जीरो. तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या करेगी, बी क्यू वी साइन जीरो इज जीरो. तो चार्ज पार्टिकल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहे हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. समझ में आ रहा है यहां तक? तो पहले बी वेक्टर निकालने बोर्ड के अंदर, चार्ज पार्टिकल भी बोर्ड के अंदर है, बी और बी में एंगल जीरो, तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का एक्सपीरियंस करेगी जीरो. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी किया हुआ है, रिपीट है, ये नहीं करना, होमवर्क नोट कर लें, आपको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है. साइक्लोटोन का क्वेश्चन किया हुआ है. अभी जो मेन क्वेश्चन जो मुझे करवाना है इसमें, वो करवाना है, ये किया हुआ है एक टेंशन की वैल्यू, एक अगर रिंग में करंट है तो स्ट्रेच हो जाती है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था. तो टेंशन की वैल्यू क्या होती है, बी आई आर, ये सीधा मैंने शॉर्टकट भी मार्क करवाया था लास्ट टाइम, ये भी किया था. ये होमवर्क नोट करें, बाइट सर्वर्ट लॉ की सिंपल प्रॉब्लम है. यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक तो दो तीन चीज़ें हैं, पहले इसको कर लेते हैं. इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि दो वायर्स हैं ए और बी, दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं. अब वो कह रहा है कि इसमें मैग्नेटिक इंटरेक्शन कैसी होगी, कौन किसको पुल करेगा, कौन कैसे टर्न करेगा, ये बताओ. तो सबसे पहले मान लो ये करंट है, ये करंट कैरिंग वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, कैसे, थंब करंट के साथ है, बी कैसे है बाहर, तो बी वेक्टर यहाँ पे कैसे है आउटसाइड, और अगर पॉइंट यहाँ लेंगे तो बी वेक्टर कैसे आएगा इनसाइड. तो ऊपर बी वेक्टर आउटसाइड और नीचे बी वेक्टर इनसाइड, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक. अब इसके अंदर करंट नीचे है, बी वेक्टर कैसे आउटसाइड है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. बी वेक्टर कैसे है इसमें आउटसाइड, करंट कैसे है नीचे, फोर्स कहां है मेरी तरफ. तो बी वेक्टर कैसे है ऐसे, करंट कैसे है नीचे, तो मेरी तरफ, तो फोर्स एक्सपीरियंस यहां पर इस तरफ लगेगी. और इसके अंदर बी वेक्टर कैसे है बोर्ड के अंदर और करंट कैसे है नीचे, फोर्स कहाँ लगेगी राइट. बी वेक्टर बोर्ड के अंदर, फर्स्ट फिंगर बोर्ड के अंदर, करंट नीचे, फोर्स बाहर लगेगी. अब आप ये देखें, इसके ऊपर फोर्स राइट, इसके ऊपर लेफ्ट, तो ओवरऑल ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, कैसे, इन काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी मोशन होगी. तो समझ में आ रहा है कैसे.
तो पहले तुम ऊपर वाले पोर्शन पे फोर्स निकालोगे, फिर नीचे पे फोर्स निकालोगे, तुम देखोगे कि टॉर्क जनरेट करेगा ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, और ये वायर को कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये इसका सोचने का तरीका है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, और हमें ये बताना है नेट फोर्स वायर बी पे, ये बीच वाली वायर बी है कहाँ पे होगी, 3 एम्पियर 2 एम्पियर को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन। 1 एम्पियर 2 एम्पियर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, ये फोर्स बड़ी होगी और ये फोर्स छोटी होगी। क्यों बड़ी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बड़े हैं, तो ये वायर कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स राइट। तो आंसर क्या आएगा, टुवर्ड्स सी, ये सी है, ये बी है और ये ए है। तो स्टेप समझ में आ रहा है, तो ये वायर कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स सी शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन भी किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये सब बायट सर्वेट लॉ की प्रॉब्लम है, ये लूप वाली प्रॉब्लम हमने की हुई है। अभी जो हमने करना है ये भी बायट सर्वेट लॉ में किया हुआ है, ये वाली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम इस शीट में कम से कम बहुत सालों से चल रही है, मुझे लगता नहीं था कि कभी आएगी, लेकिन जेई मेंस के प्रीवियस के अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन 3-4 साल पहले आया हुआ है, और ये नई टेक्निक है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी नहीं हुआ, तो अभी कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखो क्या क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितनी, क्यू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ई आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई कैप, राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड मैग्नेटिक फील्ड बी कैसी है, के कैप, के कैप का मतलब बोर्ड के अंदर की बाहर, बाहर, माइनस के कैप का मतलब अंदर, के कैप का मतलब बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के बाहर है, सही है, डॉट है इसका मतलब। अब वो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल को यहां से रिलीज कर दिया, अब पार्टिकल जब पी पार्टिकल को क्यू चार्ज को यहां से रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसे राइट ले जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी रास्ता चेंज नहीं करता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे राइट लेके जा रहा है, पर ये जब मैंने फिगर को देखा तो देखा ये यहां मुड़ गया, ऐसा क्यों मुड़ गया, किससे मुड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड ने, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को गोल घुमा देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ने मोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने मोड़ा नहीं है, मैग्नेटिक ने मोड़ दिया। और फिर जब मैंने देखा कि ये वेलोसिटी वी से एंटर कर रहा था और टू वी से बाहर निकल रहा है, तो फिर मेरे माइंड में आया कि मैंने क्लास में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज नहीं करता, वी पे एंट्री है, वी पे एग्जिट करना चाहिए, पर यहां पर तो टू वी है, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी को वी से टू वी करने के लिए, क्लियर हो गया, मैग्नेटिक ने डायरेक्शन चेंज कर दी, इलेक्ट्रिक ने वी से टू वी कर दिया, तो ये फिगर गिवन है। अब ये फिगर को देखते हुए क्वेश्चन में ये बताना है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए आप अगर फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, तो यहां से आंसर आएगा नहीं, क्योंकि फोर्स तो मुझे पता है इसमें क्यू इंटू ई है, पर आंसर नहीं आएगा इसमें। तो आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम आपने सुनी होगी, प्लस वन, आप ध्यान से देखें यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है, यहां पर एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पर एनर्जी कितनी है, हाफ एम इंटू टू वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड याद करो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए किसने वर्क डन किया होगा, और वर्क डन कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क डन किया, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पाथ पे डिपेंडेंट ही नहीं है, बिकॉज वो तो कंजर्वेटिव है, तो तुम चाहे चार्ज को जैसे मर्जी मोड़ जाओ, लेकिन एंड और इनिशियल देखना है आपने, तो एंड में 2v और शुरू में v, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम 2v स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इसलिए है क्योंकि वर्क डन किसने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया, क्यूई फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू डिस्प्लेसमेंट। कोई मुझे बताएगा मैंने यहां पर 2a क्यों लिया, इस फिगर को देखते हुए मैं a भी ले सकता था, पर मैंने 2a लिया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, अलोंग x एक्सिस पे है, एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग है, y में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो y के अंदर तो a की वैल्यू ही नहीं है, तो यहां पर आपको क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है, तो आपको ये डिस्टेंस भी किसका लेना है, x का लेना है, y का नहीं लेना। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया, QE into 2A, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क डन जो हुआ उसने काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज ला दिया, इक्वेट करके E को मार्क कर लेना आंसर। तो पहला प्रॉब्लम क्लियर है, E कैसे निकलेगा इसमें,
तो ये भी अच्छा तरीका है, अगर वेलोसिटी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकलती वी से टू वी हो गई, तो आप इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक के वर्क डन के साथ इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्लियर है यहाँ पर, ई कैसे आएगा। इसमें ना और भी ऑप्शन है कि रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं, पावर। वर्क डन का रेट का मतलब वर्क डन बाय टाइम, पावर। तो कह रहे हैं पावर बताओ पी पॉइंट पर क्या है और क्यू पॉइंट पर क्या है। पावर जो होती है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो बोलो इस पी पॉइंट पर फोर्स वेक्टर की वैल्यू कितनी है। क्यू ई के पीछे कौन सा कैप लगेगा, आई कैप राइट की तरफ है, ठीक है, क्योंकि मैं पावर का फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं, पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है वेक्टर, लेकिन पावर स्केलर है, स्केलर है तो प्रोडक्ट क्या लगता है यहां पर डॉट। तो एफ वेक्टर आ गया डॉट वेलोसिटी वेक्टर, यहां पर वेलोसिटी कहां है, आई कैप है, तो वी के पीछे भी क्या लगेगा, आई कैप। तो आई डॉट आई क्या होता है फिजिक्स में, जीरो। तो पावर की वैल्यू पी पॉइंट पर क्या आएगी, जीरो। तो अगर आपसे पावर पूछ ले तो आपने क्या करना है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर से पावर निकाल लेनी है। कोई डाउट इसमें, सही है, मेथड समझ में आ रहा है पावर वेक्टर का। और अगर मैं सेम कहूं पावर वेक्टर क्यू पे निकालो, तो बताओ क्यू पर ये क्यू ई के पीछे क्या है, आई कैप, क्योंकि क्यू ई तो आई कैप के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स के अलोंग है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर कहां पर है, टू वी के पीछे क्या आएगा, माइनस जे कैप। तो क्यू पॉइंट पर पावर की वैल्यू क्या आएगी, क्यू ई आई कैप डॉट टू वी माइनस जे कैप, ठीक है। अब इसमें टू वी क्यू ई माइनस में आई डॉट जे क्या होता है, के नहीं माइनस के, माइनस के, माइनस माइनस प्लस। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो अगर आप यहां पे पुट कर दें, यहां पे पुट कर दें ई की वैल्यू, तो आपके पास पावर की वैल्यू आ जाएगी। मैं सिर्फ टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे पावर की वैल्यू निकाली जा सकती है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर से पावर निकलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। बस इस क्वेश्चन की वजह से मैं शीट को करा रहा हूं, बाकी आधे क्वेश्चन पुराने हैं, इसमें किसी इतने काम के नहीं है। असली क्वेश्चन यही है जो आपकी प्रीवियस ईयर मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है।